दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को यानी कि अपने इंस्टाग्राम की आईडी को अपने किसी फ्रेंड के फोन में कभी लॉगिन किया था या किसी और की डिवाइस में आपने लॉगिन किया था और वहां से आप उसे लॉग आउट करना भूल गए थे और अब आप उसे लॉग आउट करना चाहते हैं लेकिन आपका फ्रेंड का फोन भी आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी को किसी दूसरे फोन से किस तरह से लॉग आउट कर सकते हैं उसी का प्रोसेस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल की हेल्प से किसी दूसरे डिवाइस से अपने इंस्टाग्राम आईडी को किस तरह से लॉग आउट किया जाता है तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट किसी और की डिवाइस में भी लॉगिंग और आप उसे लॉग आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम की आईडी को ओपन कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको चले जाना अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे और प्रोफाइल पिक्चर पे जाने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाना है और इस पे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स के नाम से, आपको सिंपली सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि फॉलो एंड इनवाइट, नोटिफिकेशन, क्रिएटर, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एड्स वगैरह और भी काफी सारे ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पर आपको पांचवें नंबर पर जो सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है आपको इसी पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे आपको फिर से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि पासवर्ड, लॉगिन एक्टिविटी, सेव लॉगिन इन्फो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, ईमेल, इंस्टाग्राम वगैरह। तो आपको सेकंड नंबर पर जो लॉगिन एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है आपको इसी में जाना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने अपने इंस्टाग्राम की आईडी को जिस जिस मोबाइल में जिस जिस डिवाइस में लॉगिन करके रखा होगा उन सबकी लिस्ट आपको इस तरह से यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी सिर्फ मेरे ही मोबाइल में लॉगिन है तो यहां पर मेरे मोबाइल का नेम शो हो रहा है रेडमी नोट 7 प्रो और यहां पर एक्टिव नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं इसी में अपने इंस्टाग्राम की आईडी को यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने किसी और डिवाइस में भी अपने इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन कर रखा होगा तो उस डिवाइस की भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर जितनी भी डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम लॉगिन हुआ वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसमें से जिस किसी से भी आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं उसके लिए आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस नेम शो हो रहा है, इसके सामने आपको थ्री डॉट मिल रहा है। इसी तरह का जितनी भी डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम लॉगिन हुआ उन सब डिवाइस का नाम आपको शो होगा, उसके सामने थ्री डॉट मिलेगा। तो जिस डिवाइस से आप अपने इंस्टाग्राम को लॉग आउट करना चाहते हैं आपको उसके सामने वाले थ्री डॉट पे जाना है और सबसे बॉटम पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉग आउट पे टैप कर देना है। जैसे आप लॉग आउट पे टैप करेंगे आपका इंस्टाग्राम आईडी उस डिवाइस से यानी कि उस मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी किसी दूसरे मोबाइल से अपने इंस्टाग्राम की आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।